नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में जो हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या है कि एक लड़का 12 किलोमीटर की औसत चाल से स्कूल पहुंचने में 60 मिनट लेता है, यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो चाल कितनी होना चाहिए। ठीक है, कोई भी लड़का है उसकी पहली कंडीशन में चाल क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लेता है, यानी समय कितना है, समय है 20 मिनट। अब इस मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो 20/60 या 1/3 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब चाल दिया गया है, समय दिया गया है, हमको दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 1/3 घंटा। 3 से काटेंगे, 3 × 12 यानी दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। यानी उस लड़के की घर से स्कूल की दूरी कितनी आ गई, 4 किलोमीटर। अब सेकंड कंडीशन उसने कहा है, यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो चाल कितनी होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड समय जो कि प्रस्तावित किया है उसने कितना है, 15 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 15/60, 15 से काटेंगे, 15 × 15, 15 × 60, 1/4 घंटा। यानी उसको 1/4 घंटा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो चाल कितनी होना चाहिए। तो अब लगा देंगे यहाँ पर चाल का फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, और समय कितना है, 1/4। अभी 4 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 4 × 4 = 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर उस व्यक्ति को, यदि उस लड़के को अपने स्कूल 15 मिनट में पहुंचना है तो चाल कितनी रखनी पड़ेगी, चाल रखनी पड़ेगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।